हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी मैंने बायोलॉजी की रिवीजन की है, थोड़े से फर्स्ट 5 चैप्टर्स की रिवीजन की है। रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी लिए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आई हैव टेकन अप दोज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू रिवाइज द होल चैप्टर थ्रू दोज क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट्स को मैंने इन क्वेश्चंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। होप यू लाइक्ड इट। तो अब केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। आई हैव डन द फर्स्ट 5 और 6 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, मतलब फ्लावर तक हमने कर लिया है, फ्लावर और उसमें फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन वो कर लिया है। आगे के चैप्टर्स बाद में करेंगे। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर्स कर लेते हैं, या फर्स्ट 4 या फर्स्ट 5 देखते हैं, उसके बाद देन आई विल मूव ऑन टू बायोलॉजी, ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की एग्जाम्स होते हैं इस समय। तो आई होप आप ये साथ के साथ देखते रहिए, समझते रहिए, एंड आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होते जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। डाल्टन यूज्ड सिंबल डैश फॉर ऑक्सीजन एंड डैश फॉर हाइड्रोजन। डाल्टन ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ किए थे वो आपसे पूछा है। तो डाल्टन ने बड़ा बेसिक प्रिमिटिव जो अपनी दी थी क्लासिफिकेशन, हालांकि उनके अब लॉज स्टैंड नहीं करते एक्सेप्ट वन, तो उन्होंने जो सिंबल्स यूज़ किए थे, ये देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ओ फॉर ऑक्सीजन एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एच फॉर हाइड्रोजन, मतलब आपको ब्रैकेट्स लगाने ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंबल्स रिप्रेजेंट डैश एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम का जो एक एलिमेंट का जो एटम है या एक एलिमेंट का जो सिंबल है वो उसके कितने एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे सिंबल क्या है, ओ सिंबल है, एन सिंबल है, यहाँ पे हम सिंबल की जो बात कर रहे हैं हम वो बोल रहे हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेड है। हम नॉर्मली ओ को ना ओ नहीं लिखते हैं, वी राइट ओ टू, एन टू, एच टू, ऐसे लिखते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल पे जब ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो वी राइट देम एज ओ एन, है ना। उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, सी एल लिखते हैं, सी एल टू नहीं लिखते हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं, देखो आप ध्यान से, मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं है। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन सही नहीं है, बट इट इज़ करेक्ट, बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि सिंबल जो है, मतलब जो एग्जैक्ट सिंबल है जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है, वो कितने एटम रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के। सो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ओनली वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ओनली वन, ठीक है। हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखते हैं सिंबल्स को, एटॉमिक फॉर्म में ही लिखते हैं। समझ के आ गया क्या कह रही हूँ मैं? ओके, नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4 इज डैश, इन C2H6 इज डैश, इन C2H4 डैश, एन C2H2 इज डैश, सो एंड सो। अब आपको कार्बन की वैलेंसी पूछी है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में, तो कार्बन ऑलवेज शोज अ वैलेंसी ऑफ, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। 4 की वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी क्यों होती है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसकी कॉन्फिगरेशन हो जाती है 2 4, इट हैज़ गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स जो इसका आउटरमोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे कि हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है कि अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना तो कोई एलिमेंट दे सकता है, ना ही कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई दूसरा एलिमेंट दे देगा, एटम, है ना, ऐसे शेयर नहीं करते हैं। शेयरिंग में 1 2 3 तक, सॉरी, अगर आप गिव एंड टेक करेंगे, मतलब आयंस बनाएंगे, आयंस को इलेक्ट्रॉन्स को देंगे या लेंगे, तो 1 2 या 3 3 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एक्सचेंज्ड, गिवन और टेकन। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, तो इट हैज़ टू शेयर दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन हमेशा शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ही चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वैलेंसी जो है कार्बन की हमेशा हमेशा कितनी होती है, 4। इट ऑलवेज शोज अ वैलेंसी ऑफ 4। देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन एक अलग चीज़ है, वैलेंसी अलग चीज़ है। बॉन्ड्स, कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है सी सी के बीच में, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। 2 कार्बन एटम अपने बीच में सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है वो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम वैलेंसी की बात करें तो कार्बन ऑलवेज ऑलवेज शोज अ वैलेंसी ऑफ 3, सॉरी, वैलेंसी ऑफ 4, एंड इट ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ दोज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन हमेशा कितनी वैलेंसी शो करता है, 4। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये जो तीनों कंपाउंड्स दे रखे हैं यहाँ पे, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होगी, ऑलवेज इट इज़ 4। C2H6 में भी 4 है, C2H, देखो बताती हूँ मैं कैसे है, यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ,
आपको बना के दिखा देती हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए, फर्स्ट वाला कंपाउंड लेते हैं CH4, सी। अब ये चार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर करेगा चार हाइड्रोजन एटम्स के साथ। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं सर्कल से दिखा रही हूँ, चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम इस क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यहाँ पे क्या बन गया, ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं दे रिप्रेजेंट अ सिंगल केमिकल बॉन्ड, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट अ सिंगल केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ही पेयर है, एक है ना, एक दो तीन चार, तो ये कितने हो गए, चार सिंगल बॉन्ड हो गए, मतलब कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे फोर है, ठीक है, CH4 में। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, C2H6। अब देखो C2 और H6 हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एच है। अब इनका हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की पहले देख लेते हैं, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वन इस कार्बन के, ठीक है, टू थ्री फोर। अब इस कार्बन के देख लीजिए, वन टू थ्री फोर, ठीक है, ये हो गए। अब हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, हाइड्रोजन का हो गया वन वन, हर हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गए। अब देखो कार्बन की कितने सारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, अब क्या हुआ, C2H6 हो गया है ये, और C2H6 में आप देख सकते हैं कि बॉन्ड्स कितने बने हैं, बॉन्ड्स हम डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, कौन सा, ग्रीन कलर ले लेते हैं, है ना। अब देखो बॉन्ड कितने बन गए, ये वन बॉन्ड टू बॉन्ड थ्री बॉन्ड और फोर बॉन्ड्स, तो इस पर्टिकुलर कार्बन के फोर बॉन्ड्स हो गए। अब हम सेकेंड कार्बन की बात करें तो सेकेंड कार्बन के कितने बॉन्ड हुए, देखो वन टू थ्री, एंड ये वाला जो बॉन्ड है ये इस कार्बन को भी एसोसिएटेड है, इस कार्बन के साथ भी। तो हर कार्बन एटम के साथ कितने बॉन्ड हो गए, फोर फोर बॉन्ड्स हो गए, और इसको हम ऐसे लिख देंगे सी। अगर हम इसको एक्चुअली ये क्या है, इथेन C2H6, ये C2H6 कंपाउंड है, एल्केन, एल्केन की सीरीज में इथेन कंपाउंड है, जो कि आप क्लास 10 में और डिटेल में पढ़ेंगे, एंड दिस वॉज मीथेन, एल्केन है ये भी, फर्स्ट जो मेंबर है एल्केन्स का मीथेन, और ये सेकंड मेंबर है C2H6 ईथेन। यहाँ पे भी फोर ही है कार्बन की वैलेंसी। अब ये बात करें C2H2 की, अब इन्होंने एक और कंपाउंड ले लिया है, उसको ये बोल रहे हैं C2H2, मतलब कार्बन तो दो ही हैं यहाँ पे, लेकिन अब क्या हो गया, देखो सी तो दो ही हैं लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एच भी दो ही है, C2H2, दो सी हैं और दो ही एच हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनने चाहिए, अब देखो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, अब बचे कितने, चार, तो ये वो यहाँ आएंगे, वन टू थ्री, इस कार्बन के भी वन टू, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं वन टू, तो ये क्या हो गया, ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये जो है ये तीन बॉन्ड हैं। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन के बीच में, दो कार्बन एटम्स के बीच में तीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक जो है वो एच। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे भी फोर ही है, आप काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर बॉन्ड बना रहा है एक पर्टिकुलर कार्बन एटम, ऐसे ही दूसरा भी फोर बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा फोर ही रहती है, ठीक है, एंड इन C2H2 एंड फोर इन C2H2 इस ओके, फोर फोर फोर, सब में फोर है। वेयर इज वैलेंसी ऑफ आयरन इन FeCl2। अब आयरन की वैलेंसी की बात करें FeCl2 में, Fe है और Cl2 है, तो मतलब Fe के साथ कितने क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं, दो, Cl और Cl, है ना, FeCl2। आपको पता है वैलेंसीज में हम क्रॉस करके लिखते हैं, तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी हो गई, एक आयरन एटम के साथ कितने क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं, वन एंड टू, तो इसका मतलब आयरन की वैलेंसी कितनी हो गई, टू, FeCl2। फेरस क्लोराइड में आयरन की वैलेंसी है टू, एंड FeCl3, FeCl3 में क्या हो गया, यहाँ पे एक और क्लोरीन एड ऑन हो गई है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन एटम, एक एक आयरन का जो एटम है, Fe का जो एटम है, वो तीन क्लोरीन के एटम के साथ अटैच हो रहा है, मतलब उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, फेरिक क्लोराइड बन गया है, और यहाँ पे इस आयरन की वैलेंसी हो जाएगी थ्री।
ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि वैलेंसीज कैसे चेंज होती हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मल्टीपल वैलेंसीज शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी हमेशा फिक्स रहती है। जैसे कार्बन हमेशा 4 की वैलेंसी ही शो करता है, आयरन जो है वो 2 वैलेंसी शो करता है, 2 और 3। 2 का मतलब फेरस आयन बनता है और 3 में फेरिक आयन बनता है। इनके केमिकल टेस्ट भी अलग अलग होते हैं, वो आप लास्ट चैप्टर में 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट, नाइट्राइट इज डैश एंड डैश रेडिकल। नाइट्राइट का फॉर्मूला पूछा है आपसे, नाइट्राइट क्या है? देखो नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 चीज़ पूछी आपसे, नाइट्राइट, नाइट्राइड और नाइट्रेट। इनको बिल्कुल ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ना इनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो नाइट्राइट जो होता है, नाइट्राइट इज NO2 विद अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसा रेडिकल है? मोनोवेलेंट रेडिकल है, मतलब कि सिंगल चार्ज है इस पे। उसके बाद नाइट्राइड जो है, नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? NP नेगेटिव, मतलब कि इस पे 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम जो है उस पे 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नाइट्राइड आयन पे 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये दोनों कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के चार्जेस को निगेट करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं, दे फॉर्म अ कंपाउंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो नाइट्राइड जो है उसका फॉर्मूला हो गया N3 नेगेटिव एंड इट इज अ ट्राईवेलेंट रेडिकल, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होती है? 3। देन नाइट्रेट, नाइट्रेट आपने बहुत बार पढ़ा है, नाइट्रेट कई जगह हम यूज़ भी करते हैं। तो नाइट्रेट इज NO3 और इसकी वैलेंसी होती है -1 वैलेंसी शो करता है। इसका आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, KNO3। पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 होती है, NaNO3। सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, HNO3। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है ना, तो ये सब शो करते हैं कि नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 होती है। इट इज़ डैश रेडिकल, इट इज़ ऑल्सो मोनोवेलेंट रेडिकल। मोनोवेलेंट मतलब शोइंग अ वैलेंसी ऑफ 1। ओके, द फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटैश, ये ध्यान रखिएगा। कॉस्टिक पोटैश क्या होता है, कॉस्टिक सोडा क्या होता है, ये कॉमन नेम्स हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, रट लेने हैं। तो पोटैश वर्ड यहाँ आ रहा है, कॉस्टिक आ रहा है, दैट इज KOH। अगर कॉस्टिक सोडा आपसे पूछते तो क्या हो जाता? अगर मैं आपसे बोलूँ वॉट इज कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा इज NaOH। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। बाइकार्बोनेट में HCO3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना, ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, इन सबको याद रखो, इनको तो रट लो, ये बहुत काम आने वाले हैं। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटैश, लाइमस्टोन क्या होता है, अब ये सब चीज़ें ना, ये बड़े केमिकल नेम्स जो हैं ये बहुत कॉमन है, और आगे 9th में भी, 10th में भी, 11th 12th में भी अगर आप साइंस लेंगे तो बहुत यूज़फुल होने वाले हैं आपके। लाइमस्टोन इज सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन जो कि मार्बल होता है, जो कि हम ग्रेनाइट यूज़ करते हैं, मार्बल यूज़ करते हैं अपने घरों में, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। चौक जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। उसकी फॉर्मेशंस अलग अलग होती है, बट बेसिकली इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। केमिकल इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, लाइम, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ लाइम क्या होता है, तो लाइम क्या होता है? CaO। ठीक है, और स्लेक्ड लाइम पूछूं कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपको याद रखनी है। ओके, फॉर्मूला ऑफ Iron-3 कार्बोनेट, मतलब फेरिक कार्बोनेट। Iron-3 का मतलब आयरन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे फेरिक आयन है तो Fe3+। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? 2। कार्बोनेट की वैलेंसी है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है कार्बोनेट रेडिकल की 2। Iron-3 फेरिक है ना, फेरस की होगी 2, फेरिक है तो 3। इनकी वैलेंसीज आप चेंज करके लिख लीजिए, सिंपल। तो Fe के साथ नंबर 2 अटैच हो जाएगा और कार्बोनेट के साथ नंबर 3 अटैच हो जाएगा, तो आपकी क्या बन जाएगा, जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा Fe, कितनी है कार्बोनेट की वैलेंसी? 2। कार्बोनेट को ब्रैकेट में लिखिए, कार्बोनेट के साथ क्या नंबर आएगा? आयरन की वैलेंसी, फेरिक की वैलेंसी कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा Fe2CO3 होल थ्राइस। CO3 जो है वो कार्बोनेट का फॉर्मूला है और उसके ब्रैकेट में बंद करके होल थ्राइस लगाया, क्योंकि वो वैलेंसी है फेरिक आयन की।
नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड हैज टू रेडिकल्स. सोडियम क्लोराइड के पास दो रेडिकल होते हैं. कौन से रेडिकल होते हैं? आप सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करके देखिए, NaCl सोडियम क्लोराइड आपका जो टेबल सॉल्ट होता है, इसको हमने ब्रेक किया तो एक बन गया Na पॉजिटिव आयन, दैट इज कैटायन. ये आपका हो गया पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल. और दूसरा बनता है Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव है, ये एनायन है और ये क्या होगा, नेगेटिव रेडिकल है, तो एसिडिक रेडिकल है. तो सोडियम इज द बेसिक रेडिकल, वेयर एज क्लोराइड इज द एसिडिक या एसिड रेडिकल. ओके, इसेंशियल कंडीशन फॉर अ केमिकल इक्वेशन इज दैट इट मस्ट बी डैश एंड शुड बी डैश. केमिकल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली बात की बैलेंस्ड होनी चाहिए, मतलब कि एनर्जी उसमें बैलेंस होनी चाहिए. तो इट शुड बी बैलेंस क्योंकि इट हैज़ टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होना चाहिए. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर, जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में यूज हो रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए. ओके, सो देन इट विल बी बैलेंस्ड. इसेंशियल कंडीशन फॉर अ केमिकल इक्वेशन इज दैट इट मस्ट बी बैलेंस्ड एंड इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म. नेक्स्ट, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको बैलेंस करना है आपको. इनफैक्ट फिलअप करना है, 2H2O plus 2SCl2 gives. वाटर और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, दे फॉर्म HCl. ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आप लास्ट में पढ़ेंगे, आपका जो 9th चैप्टर है वहाँ पे आपको रिएक्शन डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा. 9th चैप्टर नहीं, 9th चैप्टर तो 10th में है, 10th में है ये. चलो कोई बात नहीं, ये आपको 9th में आगे इक्वेशन पढ़ने को मिल जाएगी. तो HCl है, HCl बनता है, HCl को बैलेंस आउट करना है. देखो यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे HCl और O2 बन रहा है, तो यहाँ पे 4H तो आने ही चाहिए. तो अगर हम 4H लगा दें तो क्या हमारा Cl बैलेंस हो जाएगा? 2Cl2 4Cl पहले ही है, तो यहाँ पे हम 4HCl लगा दें तो 4H हो गए, 4Cl हो गए, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. HCO3 रेडिकल यहाँ पे आ गया है. तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, किसी भी बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हो तो इट गिव्स आउट CO2. ठीक है, तो इट इज़ गिविंग आउट CO2. CO2 गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो रही है, तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम कार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 निकल जाती है, वाटर निकलता है और हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट. सिंपल सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, मतलब वॉशिंग सोडा मिल जाता है. ठीक है, Na2CO3. नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन डैश एज इन अ रिएक्शन टोटल मास ऑफ द डैश मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ डैश. अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस किस पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल मास ऑफ समथिंग इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ समथिंग एल्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब दोनों का मास इक्वल होना चाहिए. तो इसका मतलब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना. यहाँ पे आप लिख देंगे इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो मास है इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर इट इज़ लॉस्ट, इट इज सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर. तो ये हो गया हमारा लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी डैश ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स में किसी भी एलिमेंट जो है वो उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है. ओके, अ केमिकल इक्वेशन हैज़ डैश एज वेल एज डैश सिग्निफिकेंस. केमिकल इक्वेशन बहुत सिग्निफिकेंट होती है, किसके लिए, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस. दोनों में, केमिस्ट्री में दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी यूज़ करते हैं. क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब हम देखते हैं कि रिएक्शन जो हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं. मतलब कि सॉल्ट में क्या कलर चेंज हुआ, क्या रेजिड्यू बचा, मतलब क्या PPT बना,
किस कलर का पीपीटी बना, क्या वो पीपीटी सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है किसी पर्टिकुलर रिएजेंट में, कौन सी गैस इवॉल्व हुई, उसका कलर क्या था, उसकी स्मेल क्या थी, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि कितना अमाउंट का हमने क्या चीज़ ली, कौन सा रिएक्टेंट, उसका वेट मास कितना था उसका, और जब वो रिएक्ट हो गया तो जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका मास कितना है, किस चीज़ का क्या मास है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब क्वांटिटी का हम एनालाइज करते हैं जब क्वांटिटी को। नेक्स्ट, डैश डज नॉट टेल अबाउट द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। हमारी एक जो नॉर्मल सी केमिकल इक्वेशन होती है ना, वो हमें एनर्जी चेंजेस के बारे में नहीं बताती है और एग्जैक्ट वैल्यू तो बिल्कुल नहीं बता सकती। हम अपनी केमिकल इक्वेशन में कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं कि जैसे हम ये बता सकते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम लास्ट में एनर्जी की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ कैसे हुआ वो आपको देख के ही पता चलता है। सिर्फ एक केमिकल इक्वेशन से हमें बस इतना पता चल सकता है कि हाँ ये रिएक्शन जो है पर्टिकुलर दिस वॉज एक्सोथर्मिक, मीन सम काइंड ऑफ एनर्जी वॉज रिलीज, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वॉज रिलीज। नेक्स्ट इज MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज द एब्रीविएशन यूज इन द केमिस्ट्री इज फॉर वॉट। हम केमिस्ट्री में जो एब्रीविएशन यूज करते हैं, मतलब जो हमारा जैसे नेट्रम है, सोडियम है ना, सोडियम क्या है, नेट्रम है, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, Na हमारा, और जो है कैलियम है क्या है, पोटेशियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो ऐसे हम ये जो नेम्स हैं लैटिन नेम्स को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो एब्रीविएशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, टू रिप्रेजेंट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स यस, टू रिप्रेजेंट रिएक्शंस यस, बोथ ए एंड बी यस, नन ऑफ द अबव नो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब नेम भी रिप्रेजेंट करते हैं वो और रिएक्शंस को भी रिप्रेजेंट करने में हम उनको यूज़ करते हैं एब्रीविएशंस को। मॉडर्न अटोमिक सिम्बल्स आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज बाय। आजकल जो हम सिम्बल्स यूज़ कर रहे हैं अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था और किसका मेथड हम फॉलो कर रहे हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, दे आर टॉकिंग अबाउट अटोमिक सिम्बल्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चे क्या होता है कई बार ना, वो माइंड सेट ऐसा होता है कि दिमाग में जो चल रहा है ना उसी को लेके कर लेते हैं काम, जबकि ये जो है ये आपका सिंबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स की बात कर रहे हैं, ये आपसे वो नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखा गया, मतलब पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। सो इट वाज मॉडर्न एटॉमिक सिंबल जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस, बर्जीलियस ने जो प्रपोज किया था उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द सिंबल फॉर कार्बोनेट आयन इज, कार्बोनेट आयन का सिंबल क्या होता है, CO3 2-, ये आपको याद होना चाहिए, आपको इतना देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। वैलेंसी ऑफ कॉपर इन Cu2Cl2 एंड CuCl2 आर रिस्पेक्टिवली। अब देखो Cu2Cl2 में अगर आप वैलेंसी क्रॉस करके लिखें, हमें पता है क्लोरीन की वैलेंसी 1 ही होती है, तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, और CuCl2 में अगेन क्रॉस करके लिखे तो Cl के साथ 2 अटैच्ड है, Cu के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी हो गई 2। तो Cu2Cl2 और CuCl2 में कॉपर की वैलेंसी है 1 और 2, इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें है 1, क्योंकि दोनों को आप कैंसिल आउट कर लीजिए तो 1, 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 ही होती है, इट नेवर शोज अ वैलेंसी ऑफ 2 बिकॉज इट हैज़ गॉट, क्लोरीन की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इट ऑलवेज ऑलवेज शोज अ वैलेंसी ऑफ 1 ओन, के ध्यान रखिएगा। कॉपर जो है वो 2 वैलेंसी शो करता है, Cu+, Cu+ एंड Cu2+, Cupric आयन, Cu+ एंड Cupric 2 वैलेंसी शो करता है ये। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हो जाएगा Cuprous क्लोराइड, तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी है 1, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, और ये है CuCl2 Cupric क्लोराइड, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी है 2। नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ आयरन इन Fe2O3 इज, अब Fe2O3 मतलब Fe जो है उसके साथ आना चाहिए नंबर 3 और O के साथ आना चाहिए नंबर 2, तो O शो कर रहा है वैलेंसी ऑफ 2 और Fe शो कर रहा है वैलेंसी ऑफ 3, तो दिस इज फेरिक ऑक्साइड और यहाँ पे वैलेंसी हो गई, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 3। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स, फॉर्मूला एक कंपाउंड का एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है,
डज इट रिप्रेजेंट अ रेडिकल, अ मॉलिक्यूल, अ पार्टिकल और एन एटम. अब कंपाउंड के फॉर्मूले की बात करें तो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है इट रिप्रेजेंट्स अ वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड. तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बी. कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, आप सी ओ टू ले लीजिए, एच सी एल ले लीजिए, एफ ई टू ओ थ्री, एफ ई टू ओ थ्री ले लीजिए, एफ ई थ्री ओ फोर ले लीजिए, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं. एच टू एस ओ फोर ले लीजिए, एंड दे आर दी मॉलिक्यूल्स, दी ऑल दीज फॉर्मूले दे आर रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. नेक्स्ट, द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपसे फॉर्मूला पूछा है. जैसे ही आपसे कोई फॉर्मूला पूछे, आप उन एलिमेंट्स की वैलेंसी को दिमाग में लाइए. वैलेंसीज याद करनी है आपको, वैलेंसीज को याद रखिए. एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? एल्यूमिनियम शोज अ वैलेंसी ऑफ 3, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13, है ना. तो वैलेंसी क्या हो जाती है इसकी? 2, 8, 3. ओके, और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता है 2 होती है. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, वैलेंसी को एक्सचेंज कर दीजिए, Al के साथ 2 आ जाएगा और O के साथ 3 आ जाएगा, तो इट विल बी Al2O3. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, इट विल बी करेक्ट. ठीक है, Al2O3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल रिएक्शन NH4 Hb CR2O7. दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट. ठीक है, ये अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है. इसको भी आप ढंग से याद कर लीजिए, कई बार आप यूज़ करने वाले हैं अपने आने वाली अपकमिंग केमिस्ट्री सिलेबस में. सो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हमने हीट किया, देखो ये सिंबल बना है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स हीट, है ना, हीट का सिंबल है ये. तो ये ट्राइंगल जो है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट किया, सो इट हैज़ ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन गैस, वाटर एंड क्रोमियम ऑक्साइड. तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो आप ये देखिए, आपके एग्जाम ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, 2 reactants and 2 products, 1 reactant and 2 or 3 products, 2 reactants and 1 product and 2 reactants and 3 or 4 products. तो हमारा जो बी ऑप्शन है 1 reactant and 2 to 3 products, ये जो ऑप्शन है यही करेक्ट है. रिएक्टेंट एक ही अमोनियम डाइक्रोमेट और उसके 3 products बन रहे हैं, नाइट्रोजन गैस, वाटर प्लस क्रोमियम ऑक्साइड. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कैटेगरी इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग करना है आपको. अब आपको यहाँ पे देखो रेडिकल और कुछ रेडिकल के फॉर्मूले दे रखे हैं और उनके नेम्स दे रखे हैं, आपको मैच करना है. आप जब भी ऐसे रेडिकल्स को करें तो आप सबसे पहले वो करिए जो कि आप बिल्कुल श्योर हों, जो आपको 100% आता हो. ठीक है, सबसे पहले उसको करिए, उसके बाद किसी और में जाइए. तो यहाँ पे देखो कॉलम वन में क्या दे रखा है, फॉस्फाइट दे रखा है, फिर फेरोसाइनाइड, ऑक्सिलेट, पायरोफॉस्फेट एंड फॉस्फेट. तो अगर आपको श्योर है कि इसमें से कुछ भी आता हो, मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे सिंपल है, जो कि आप कई बार पढ़ेंगे, दैट इज़ फेरोसाइनाइड. फेरोसाइनाइड आपको पता होगा कि FeCN6 कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए. हाँ, ये 100% जो है, सेकेंड वाला जो है वो सी का मैचिंग है, ए जो है सेकेंड की जो मैचिंग होगी वो ए होगी. देखिए आंसर. नेक्स्ट आपको जो श्योर है वो देखिए, आप जो कन्फ्यूज़ होंगे वो फॉस्फेट के ग्रुप में कन्फ्यूज़ होंगे, तो हम पहले श्योर वाले करते हैं. ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आयन जो होता है वो C2O4, C2O4 जो है वो ऑक्सिलेट आयन है. ठीक है, तो ये अभी हमारा कंफर्म है कि थर्ड वाले का जो है ऑप्शन बी करेक्ट है. अब हम देखते हैं हमारे पास बचे 3, फॉस्फाइट, पायरोफॉस्फेट और फॉस्फेट. इसमें से आपको फॉस्फेट रेडिकल मेरे ख्याल से याद होना चाहिए कि फॉस्फेट रेडिकल क्या होता है. आप कोई भी अमोनियम फॉस्फेट या सोडियम फॉस्फेट, किसी का भी फॉर्मूला याद करके देख लीजिए कि फॉस्फेट रेडिकल जो होता है वो क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है. तो या तो आप सोडियम फॉस्फेट, सिंपल कंपाउंड है, सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला याद कर लीजिए कि सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3PO4. सोडियम फॉस्फेट जो होता है वो Na3PO4 होता है. इसका मतलब जो फॉस्फेट रेडिकल है उसकी वैलेंसी होती है 3, PO4 और वैलेंसी होती है 3. तो यहाँ पे देखो फॉस्फेट रेडिकल और यहाँ पे ये PO4 और वैलेंसी 3, ये ऑप्शन है. तो ये फिफ्थ वाले का ऑप्शन जो है ई करेक्ट हो जाएगा. अब हमारे पास बचे फॉस्फाइट और पायरोफॉस्फेट. देखो पायरो वर्ड जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे ऑक्सीजन एड ऑन हो जाती है. ऑक्सीजन तो सब जगह, ऑक्सीजन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं. यूजुअली
ज़्यादा हो जाते हैं मतलब। अब आप फॉस्फाइट को ले लीजिए, फॉस्फेट हमारा PO4 होल था, PO4 था, तो फॉस्फाइट जो है वो एक ऑक्सीजन कम होगी तो फॉस्फाइट विल बी PO3। तो ये जो है, ये हमारा जो ऑप्शन है डी वाला, ये फॉस्फाइट हो जाएगा आपका। फर्स्ट वाला जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फॉस्फाइट। ठीक है, बचा आपका पायरोफॉस्फेट। तो पायरोफॉस्फेट जो है इट विल बी, पायरोफॉस्फेट हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पायरोफॉस्फेट विल बी द रिमेनिंग P2O7 हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4, दैट इज योर पायरोफॉस्फेट। ठीक है, मैचिंग में आप ना सबसे पहले जो आपको 100% श्योर हो वो करिए, स्पेशली केमिस्ट्री में, और फिर एलिमिनेट करते जाइए, उस तरीके से मैचिंग करिए। अब देखो यहाँ पे और आ गए इतने सारे सारे सोडियम के कंपाउंड है, और कार्बोनेट, क्लोरेट, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड बाई सल्फेट, सिलिकेट बाई कार्बोनेट। ये इजी है, देखने में कंफ्यूजिंग हो सकते हैं बट दे आर इजी। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है तो ये CO3, तो Na2CO3 आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब आपको चाहिए सोडियम क्लोरेट, छोड़ दो, सोडियम सल्फेट ले लो, Na2SO4, सल्फेट रेडिकल सिंपल, Na2SO4। अब सोडियम नाइट्रेट ले लो, NO3, है ना, नाइट्रेट में NO3 आएगा, तो सोडियम नाइट्रेट का ये रहा NaNO3, ये भी हो गया हमारा। अब आप और कोई देखिए जो कि आपको आता हो, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, बाइकार्बोनेट को आपको पता है HCO3 होता है, तो बाइकार्बोनेट ले लिया हमने NaHCO3। अब आप और कोई फॉर्मूला लीजिए जो आपको याद हो, है ना, जैसे कि सोडियम क्लोरेट है, सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सिलिकेट, सिलिकेट ले सकते हैं मेरे ख्याल से, जिसमें सिलिका प्रेजेंट होगा वो सिलिकेट होगा, है ना, तो सोडियम सिलिकेट ले लिया हमने, ये हो गया Na2SiO3। अब देखो आपके पास क्या क्या बचे हैं, सोडियम बाइसल्फेट, अच्छा बाइसल्फेट बचा है तो बाइसल्फेट भी हम ले सकते हैं, HSO4 हो जाएगा, जैसे बाइकार्बोनेट HCO3 था तो बाइसल्फेट आपका HSO4 हो जाएगा, है ना, इसको भी आप ले लीजिए, ये हो गया, ये भी क्लियर है। अब आपके पास बचे क्लोरेट और नाइट्राइट, नाइट्राइट NaNO2 हो गया, नाइट्रेट NaNO3 है, तो नाइट्राइट क्या हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा आपका कलर कौन सा ले, ये वाले लेते हैं NaNO2। ठीक है, ये हो गया नाइट्रेट। अब एक और हमें लेना है सोडियम क्लोरेट, यहाँ पे मैं ना आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी। सोडियम क्लोरेट देखो, सोडियम क्लोरेट जो है दिस इज़ NaClO2। अब आपने पढ़ा है कि सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्या क्या पढ़ा है आपने, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम परक्लोरेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, ये चार तरीके के सॉल्ट्स पढ़े हैं। अब आपको ये ध्यान है कि इनके नाम ऐसे क्यों हैं। देखो सबसे पहले तो इनके नाम हमने ये परक्लोरेट या परक्लोराइड ये ऐसे क्यों रखे हैं। देखो सोडियम क्लोरीन के साथ अगर अटैच्ड है NaCl जो कंपाउंड बनता है सिंपल, है ना, तो इसका फॉर्मूला तो हो जाता है सोडियम क्लोराइड। अब इस फॉर्मूले में सोडियम और क्लोरीन के साथ मैं अगर ऑक्सीजन भी ऐड ऑन कर दूँ, मैंने क्या किया इसमें ऑक्सीजन ऐड ऑन कर दी, सपोज इसको मैंने कर दिया NaClO, अब ये कंपाउंड क्या बन गया, एक पॉजिटिव एलिमेंट है, एक कटायन है, उसके साथ दो एनायन अटैच हो गए, दो नेगेटिव आयन्स आ गए हैं Cl और O। तो अब इस कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड में जहाँ पे कि हम किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को एड ऑन कर देते हैं और वो ऑक्सीजन उस कंपाउंड में लास्ट में एड ऑन होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं उनके नॉमेनक्लेचर के लिए। तो वो रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज ये क्लोरीन NaCl सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड था, सोडियम क्लोराइड इसका नाम था, इसमें सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट थे, इसमें अगर हम ऑक्सीजन ऐड ऑन कर तो क्या होगा, तो अगर ऑक्सीजन का नंबर 2 से कम है, मतलब हमने जो ऑक्सीजन एटम्स ऐड किए हैं उनका नंबर अगर लेस देन 2 है, देन वी विल कॉल इट हाइपोक्लोराइट। ठीक है, इसका नाम मैं लिख दूँ यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोराइट, मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइट जब ऑक्सीजन नंबर लेस देन 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं तीन चार चीज़ें बताऊंगी इसमें, ये याद रखना। ठीक है, हाइपोक्लोराइट हो गया जब ऑक्सीजन नंबर क्या है, लेस देन 2। अब अगर ऑक्सीजन नंबर 2 है, अब मैं इसको कर दूँ, ये हो गया NaClO, अब मैं अगर इसको कर दूँ NaClO2, अगर ये कंपाउंड है NaClO2, मतलब अब यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 2 ही है, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, तो ऐसे कैसे रहेगा दोनों में। ठीक है, अब ये हम हाइपो वर्ड जो था ना ये हटा देंगे, अब इसका नाम हो जाएगा सोडियम, ठीक है, क्लोराइड हो गया।
अब देखो तीसरी कंडीशन क्या होगी, जबकि ये एक और कंपाउंड है NaClO3। अब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के कितने एटम अटैच कर दिए NaCl के साथ, तीन एटम्स अटैच कर दिए, NaClO3 बना दिया। तो यहाँ पे जो इसका नाम है वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम इसको बना देंगे क्लोरेट। अब ये एट हो गया, अगर हमने तीन ऑक्सीजन एटम अटैच किए तो ये हो गया 8 सोडियम क्लोरेट, ठीक है, NaClO3। अब इसमें एक और वेरिएशन है, एक और ऑप्शन है, या एक और इसका तरीका है नॉमेनक्लेचर का, मतलब इसका नहीं, एक और हम ऐड ऑन करें, अगर ऑक्सीजन के एटम जो हैं वो तीन से ज़्यादा हैं, NaClO4 कर दिया मैंने। अभी देखो मैंने पहले क्या किया था, अगर दो से कम है तो, मतलब एक ही होगा, तो अगर एक है तो वो हाइपोक्लोराइट होगा, अगर दो है तो वो क्लोराइट होगा, दो से ज़्यादा है मतलब तीन है तो सोडियम क्लोरेट हो गया, क्लोरेट। अब अगर मैंने तीन से ज़्यादा कर दिए, फोर कर दिए, सपोज NaClO4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम पर क्लोरेट। अब हम यहाँ पे पर वर्ड यूज़ कर देंगे क्लोरेट के पहले, ठीक है। ये चार कंडीशंस आपको याद रखनी है, अगर एक ऑक्सीजन एटम अटैच हो रहा है मतलब लेस देन टू तो हाइपोक्लोराइट, अगर दो हो रहे हैं तो क्लोराइट, अगर दो से ज़्यादा हैं, चार से कम है मतलब तीन है तो क्लोरेट, और तीन से ज़्यादा है तो पर क्लोरेट। हाइपर कम के लिए आएगा, हाइपर ज़्यादा के लिए आता है वैसे वर्ड, लेकिन हम यहाँ पे हाइपर वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाइपोक्लोराइट हमने यूज़ किया था कम, जब ऑक्सीजन थी तब, मतलब वन थी ओनली, लेकिन अब हम यहाँ पर क्लोरेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स जो हैं दे आर मोर देन थ्री, ये ध्यान रखिएगा, CLO4, तो पर क्लोरेट मतलब मोर देन थ्री हैं, फोर हैं, और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये भी आपको इन नॉमेनक्लेचर के साथ ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी, ठीक है, इनको भूलेगा मत, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और कंपटीशन के हिसाब से तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, स्केलेटन इक्वेशन दे रखी है एक, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, एक एटॉमिक इक्वेशन है, और एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी कैसी है। सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन को देखते हैं। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें कि सिर्फ हम ना कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिख देते हैं, उनको हम बैलेंस करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो स्केलेटल इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी, जहाँ पर कि हमने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हुए हैं एंड इट इज़ डेफिनेटली नॉट बैलेंस्ड। इट विल बी फर्स्ट वाली तो बैलेंस्ड है, सेकंड में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जो थर्ड वाली है CaCl कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है एज यू कैन सी, क्योंकि जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे H2 है, रिएक्टेंट्स में H एक ही है, रिएक्टेंट्स में क्लोरीन एक है लेकिन प्रोडक्ट्स में क्लोरीन दो हो गई हैं, ऑक्सीजन बाकी सब बैलेंस्ड है। तो ये जो है आपकी स्केलेटन इक्वेशन हो गई लास्ट वाली। नेक्स्ट बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी, यहाँ पे देखते हैं हम, बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी होगी, सेकेंड वाली देखिए, 2Na+2H2 और 2NaOH+H2, H2 बैलेंस्ड है यहाँ पे, वो भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, सेकेंड वाली बैलेंस्ड है 2Na, ठीक है, थर्ड वाली देखते हैं CaCO3+2HCl, ये हो गया CaCl2, ओके, कैल्शियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गई, सी भी बैलेंस हो गया, ओ भी बैलेंस्ड है, तो ये दोनों, ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। एटॉमिक इक्वेशन कौन सी होगी, जिसमें कि हम एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उन पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब एटॉमिक इक्वेशन देखो ये वाली होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमने इसमें H को ना एटॉमिक फॉर्म में लिया है, इसको H2 नहीं किया है, तो ये एटॉमिक इक्वेशन हो गई। और मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो है वो हो जाएगी आपकी डी, बी वाली जो है, ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, दो इट इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है ना, एक बार चेक कर लीजिए, ओ भी दो हैं, H कितने हैं, H4 हैं, इधर भी H4 है, यस इट इज़ बैलेंस्ड, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इज वन मार्क क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, लैटिन नेम पूछा है, तो नेट्रियम है, नेट्रियम भी लिख देते हैं हम कई बार, नेट्रियम है इसका नाम। इफ़ द सिंबल फॉर कोबाल्ट CO वर रिटन एज CO, तो ये इनकरेक्ट क्यों होगा,
मतलब हमने सीओ जो सी कैपिटल और ओ स्मॉल आता है उसको हमने दोनों को कैपिटल लिख दिया, तो ये इनकरेक्ट क्यों है? ये इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज सीओ रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ अ कंपाउंड, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये कार्बन मोनोक्साइड का, जो कार्बन मोनोक्साइड गैस होती है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इट रिप्रेजेंट्स दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, सो इट इज इनकरेक्ट। कोबाल्ट शुड बी रिटन एज कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल अगर आप किसी एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं तो। देन वॉट इज द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया N2। वॉट इज द केमिकल सिंबल फॉर हाइड्रोजन गैस? H2। ऑक्सीजन गैस O2। वॉट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड? कंबाइनिंग कैपेसिटी हम किसको बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एन एलिमेंट वाई शोज वेरिएबल वैलेंसीज ऑफ 3 एंड 5, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको वैलेंसी दे देंगे और बोलेंगे कि इसके नाइट्राइट का फॉर्मूला, नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखे या ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखे या क्लोराइड का फॉर्मूला लिखे, जो भी सल्फेट का या जो भी है, तो आपको वैलेंसीज क्रॉस करके लिखना है। सिंपल ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, ऑक्साइड का क्या होता है आपको पता है, 2 नेगेटिव होता है ऑक्साइड की वैलेंसी जो होती है, दैट इज सिंबल इज ओ एंड 2 नेगेटिव उसकी वैलेंसी होती है, तो आपको वाई को कंबाइन करना है। वाई की वैलेंसी क्या है? 3, फर्स्ट केस में 3 है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है, आप क्रॉस ओवर कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Y2O3। तो फर्स्ट वाला जो वैलेंसी का केस है जहाँ पे कि वाई की वैलेंसी 3 है वहाँ पे उसका फॉर्मूला हो जाएगा Y2O3, और सेकंड केस जहाँ पे कि उसकी वैलेंसी कितनी है 5, ओ की तो उतनी ही रहेगी ऑक्साइड की, तो यहाँ पे अगर दोबारा से आप क्रॉस ओवर करके लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Y2O5, जो सेकेंड कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा Y2O5, ये दोनों वाई के ऑक्साइड्स हो गए। नेक्स्ट, एन एलिमेंट जेड हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 3, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ जेड? अब दोबारा से वही चीज़ है, जेड की वैलेंसी एक फॉर्मूला है जिसका कि जिसके पास क्या है, जेड है नाम उसका और वैलेंस सिंबल, सॉरी जेड है वैलेंसी उसकी 3 है, उसको ऑक्साइड बनाना है, तो आप लिख लीजिए जेड वैलेंसी हो गई 3, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, इनको आप क्रॉस ओवर कर दीजिए, क्रॉस ओवर करके लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Z2O3। ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट जेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम फॉस्फेट? अब अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछा आपको, अमोनियम जो एक रेडिकल है उसकी वैलेंसी होती है 1+1 होती है, और जो फॉस्फेट रेडिकल है, फॉस्फेट रेडिकल की वैलेंसी होती है 3-3, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी है 1, इनको क्रॉस ओवर करके लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अब इनको आप क्रॉस ओवर कर दीजिए, क्रॉस ओवर करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम के साथ नंबर 3 अटैच होगा तो NH4 होल थ्राइस PO4, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगेन आप कर लीजिए, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, OH जो हाइड्रोक्साइड है उसकी वैलेंसी होती है 1, इनको क्रॉस ओवर करके लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, Al के साथ 1 आ जाएगा, OH के साथ नंबर 3 अटैच हो जाएगा, तो द फॉर्मूला विल बी AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, व्हाट आर द करेक्ट फॉर्मूले ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइट? आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, सल्फाइड और सल्फाइट के फॉर्मूले पूछे हैं आपको, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो Na S जो है दैट इज़ दी सल्फाइड, S जो होता है वो सल्फाइड आयन होता है, ठीक है, सिंपल S, दिस इज सल्फाइड आयन, तो ये हो गया सोडियम सल्फाइड। Na2SO4 यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है आयन SO4, ये दिस इज दी सल्फेट आयन, ठीक है, ये है आपका सल्फेट आयन, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। आपसे पूछा है Na2S क्या है, Na2S क्या हो गया, अगेन यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी कितनी है 2 है, तो ये हो गया सोडियम, यहाँ पे सल्फाइट था, अब यहाँ पे ही हो गया सोडियम सल्फाइड,
अब यहाँ पे पूछा है Na2SO3 सोडियम सल्फाइट का पूछा है आपसे, तो सोडियम सल्फाइट जो होता है सल्फेट से आप एक ऑक्सीजन आइटम कम कर दीजिए, SO4 की जगह आप SO3 कर दीजिए, तो दैट इज सोडियम सल्फाइट। अगेन इट्स वैलेंसी इज कितनी होती है, वैलेंसी 2। तो सोडियम सल्फाइट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO3। ओके नेक्स्ट, इफ एन एलिमेंट एक्स हैज इट्स वैलेंसी इक्वल टू 3, व्हाट विल द फॉर्मूला विल कार्बोनेट आयन। एक्स जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी है, 3। कार्बोनेट आयन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। दोनों को क्रॉस ओवर करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा X2CO3 होल थ्राइस। ओके नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है आपसे ये पूछा है। तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद अ मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड टू गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaNO3। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ वन रिएक्टेंट एंड टू प्रोडक्ट इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट एक है प्रोडक्ट दो हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल ले लिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया तो प्रोडक्ट बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस इज बींग रिलीज। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट रिएक्ट्स विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस है तो वैलेंसी कितनी है आयरन की, 2। तो एसओ सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, अगेन 2। तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeSO4। दोनों की वैलेंसी 2 है इसलिए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला हो गया FeSO4। फेरिक सल्फेट होता तो क्या होता, Fe2SO4 होल थ्राइस। वैलेंसी तो एक्सचेंज हो जाती फिर, है ना। रिएक्ट्स विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, सिंपल NaOH। टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका FeOH के OH की वैलेंसी क्या होती है, 1। तो Fe के साथ 1 आ गया, फेरस की वैलेंसी 2, तो FeOH होल ट्वाइस। एंड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट दैट इज दोनों सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, इनको क्रॉस ओवर करके लिखे तो हो गया Na2SO4। अब इनको आपको इक्वेशन में पुट करना है, तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, FeSO4 प्लस NaOH, दोनों एक्वस फॉर्म में है, तो हमने एक्वस यहाँ दे रखा है ना, इसीलिए AQ ये यूज़ कर लिया है हमने केमिकल इक्वेशन। आपको स्पेसिफिकली इक्वेशन बनाने को बोला है और दे रखा है कि प्रेसिपिटेट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, देखो दे रखा है ना यहाँ पे, तो इनको आपको इक्वेशन में मेंशन करना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको बोला प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड, तो ये हमने PPT फॉर्म में लिख दिया, इसमें ये एक एरो और लगा दीजिए, डाउनवर्ड एरो ऑलवेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ अ PPT। एंड सोडियम सल्फेट आपको एक्वस फॉर्म में, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में आपको सोडियम सल्फेट मिल गया, तो हो गई आपकी सिंपल इक्वेशन। नेक्स्ट, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड, मेंशन इट बाय गिविंग अ सिंपल केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि भाई बैलेंस्ड इक्वेशन होगी तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव होगा। मतलब जो इक्वेशन हम बनाते हैं उसके बीच में क्या लगाते हैं, सपोज एक हमने केमिकल इक्वेशन बनाई कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो ये जो हमारा एरो है ये क्या शो कर रहा है कि एक ये पर्टिकुलर जो हमारे लेफ्ट साइड के जो भी केमिकल्स थे वो रिएक्ट करके, उनको हम रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं, उन्होंने रिएक्ट करके जो राइट साइड की चीज़ें हैं केमिकल्स हैं वो बनाए, कंपाउंड्स बनाए, दैट इज़ दी प्रोडक्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो ए और बी थे उन्होंने आपस में जो भी रिएक्शन किया उसकी वजह से सी और डी बने, तो जितना अमाउंट वहाँ पे प्रेजेंट था ए और बी के अंदर उतना ही अमाउंट सी और डी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए, कुछ गेन नहीं होना चाहिए, दोनों की मतलब इंटर कन्वर्जन हुआ है, ए और बी में कुछ चेंजेस हुए, केमिकल चेंजेस हुए, मॉलिक्यूलर चेंजेस हुए, जिसकी वजह से वो सी और डी में कन्वर्ट हो गए, तो जो टोटल मास है वो कंजर्व होना चाहिए। मतलब जितना मास ए और बी का था उतना ही टोटल मास सी और डी का होना चाहिए, तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड अ केमिकल इक्वेशन मस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर लॉ, देन ओनली इट कैन बी सेट ट्रू दैट यस दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के एग्जाम्पल दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को हीट किया या रिएक्ट करवाया तो यू गेट कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 गैसेज इवॉल्व। अब ये तो हो गया आपका रिएक्शन, हमें प्रूव करना है तो हमें टोटल मास उनका दिखाना पड़ेगा कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का दैट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में आप ले लीजिए मास, वैसे आपको जब
एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन देंगे तो आपको मास दिया होगा, एटॉमिक मास एलिमेंट्स का दे रखा होगा, लेकिन अगर नहीं भी दे रखा तो आपको थोड़े बहुत तो बेसिक याद होने चाहिए। जैसे कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो अगर हम इनको टोटल करें तो कितना होगा, कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का हो गया 12, हम मैं पहले वाले कंपाउंड CaCO3 का मास कैलकुलेट कर रही हूँ, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 16 इंटू 3 है ना, O3 है तो 16 इंटू 3 कर लिया, तो 16 थ्रीजा कितना होता है, 48 हो गया, तो इनको आप टोटल कर लीजिए, ये आ गया आपका 100। तो 100 ग्राम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मास हो गया प्लस 2HCl। अब HCl का मास निकाल लीजिए, क्लोरीन का मास होता है 35.5, हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल हो गया 36.5, इसको 2HCl है इसीलिए इंटू 2 कर दिया, तो दिस इज 73 grams। अब इसके बाद यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना, कैल्शियम क्लोराइड का मास निकाल लिए, कैल्शियम अगेन 40, क्लोरीन इज 35.5, जिसको हमने डबल कर लिया, है ना, Cl2 है तो 35.5 इंटू 30 इंटू 2 करके क्या आ जाएगा आपका, 71 आ जाएगा, तो 40 प्लस 71 विल गिव यू हाउ मच, 111, तो ये 111 ग्राम आ गया, ठीक है। प्लस H2O, H का हो गया 2, H का 1 होता है तो 2H है तो 2 हो गया, प्लस O16 तो 18 ग्राम्स आ गया, CO2 का 44 ग्राम्स कैसे हो गया, 12 प्लस O2 है तो 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44 ग्राम्स आ गया, तो अब इनका आप टोटल कर लीजिए, 100 प्लस 73 ग्राम्स हो गया 173 ग्राम जो हो गया, ये तो रिएक्टेंट्स का मास हो गया, और प्रोडक्ट्स का देख लीजिए, 111 प्लस 18 प्लस 44, ये कितना आया, 9 प्लस 4 3 1 कैरी किया 2 3 7, एंड यहाँ पे क्या आ गया 1, तो ये भी आ गया 173 ग्राम्स, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो है दैट इज़ 173 ग्राम्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज़ ऑल्सो 173 ग्राम्स। सो हियर इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दिस शोज दैट अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल टू शो दैट। आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये सब करके दिखाना पड़ेगा, ओके, ये नहीं कि ये बहुत लेंदी है, इट यू हैव टू डू इट। गिव डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सिंपल डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एटम इज हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है, और इट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कम्पेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन C12 एटम। कार्बन के ऐसे आइसोटोप्स होते हैं C12 C14, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे हम C12 की बात कर रहे हैं। रिलेटिव मॉलिकुलर मास क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब C12 की बात करें, आइसोटोप C14 भी होता है, तो हम यहाँ पे C12 की बात करें, C12 मतलब C6 12, मतलब उसका जो, सॉरी ये आप, वैसे तो हम C12 लिखते हैं लेकिन आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन से इनकरेक्ट हैं आपको ये बताना है, और जो करेक्ट है वो करेक्ट इनकरेक्ट है उनको करेक्ट करके लिखना है। कार्बन का सही है C, एल्यूमिनियम का Al सही है, हीलियम का भी HE सही है, तो इनकरेक्ट तो हमारे पास अभी तक आया नहीं। अच्छा, स्मॉल लेटर यूज़ किया है क्या यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, कार्बन सी कैपिटल, अब यहाँ पे तो स्मॉलर कैपिटल, अच्छा बेटा ये ध्यान रखिएगा, मुझे ये कैपिटल लग रहा था लेकिन ये कह रहे हैं कि ये स्मॉल है, और यहाँ पे ये Al कैपिटल बता रहे हैं जबकि मेरे को तो Al स्मॉल ही लग रहा है, तो एनीवेज ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि कार्बन करेक्ट है, कैपिटल लेटर यूज़ हुआ है, एल्यूमिनियम इनकरेक्ट है क्योंकि सेकेंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, हमें तो स्मॉल ही नज़र आ रहा था वो L, और हीलियम करेक्ट है। राइट द फॉर्मूला एंड वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स और आयंस, अब कुछ रेडिकल्स और आयंस दे रखे हैं आपको, उनके फॉर्मूले बताने हैं और वैलेंसी बतानी है। सबसे पहले ऑक्सीलेटर को याद कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद जरूर कर लो, इनके फॉर्मूले याद कर लो, वैलेंसी याद कर लो, एक दिन में 5 याद करो, कैसे भी याद करो लेकिन याद कर लो। फर्स्ट इज ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट और लिख के याद करोगे बेटा तभी याद हो पाएगा, ऐसे ओरली याद नहीं होती केमिस्ट्री। ऑक्सीलेट में क्या होता है, सी कार्बन होता है और ऑक्सीजन होती है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2O4, और इसकी वैलेंसी होती है -2, नेगेटिव आयन है, ठीक है। बाइकार्बोनेट HCO3, बाइकार्बोनेट हो गया आपका HCO3, वैलेंसी है 1,
और आपका जो डाइक्रोमेट है दैट इज सी आर टू ओ सेवन, दो टू नेगेटिव वैलेंसी होती है इसकी, ये याद करने हैं आपको. वॉट इज़ द वैलेंसी ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड. सब आपको कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अंडरलाइन करके दे रखे हैं, उनकी वैलेंसी आपसे पूछी है तो वो आपको बतानी है. इसको क्या हो गया, ओके. सी ए थ्री एन टू कैल्शियम अंडरलाइन कर रखा है, कैल्शियम नाइट्राइड है ये, तो ये इनकी वैलेंसी क्रॉस ओवर करके लिखी हुई है. देखो सी ए थ्री एन टू है, सी ए के साथ थ्री अटैच है, एन के साथ टू अटैच है, इसका मतलब कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, प्लस टू. ठीक है, फिर जेड एन एस ओ फोर में जिंक की वैलेंसी, अब सल्फेट की वैलेंसी टू होती है, हमें पता है यहाँ पे किसी की भी वैलेंसी मेंशन नहीं है, तो सल्फेट की वैलेंसी भी टू होती है, जिंक की वैलेंसी भी टू है, तो दोनों को क्रॉस ओवर करके लिखा है, दोनों की वैलेंसी टू है, इसीलिए सेम नंबर्स कैंसिल कर दिया. मतलब अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा जेड एन टू एस ओ फोर होल ट्वाइस. तो यहाँ पे आपने क्या किया है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी टू टू है तो इस टू को कैंसिल आउट कर दिया, तो इसीलिए कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे भी जिंक की वैलेंसी टू है. नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन इन सी सी एल फोर. मैंने आपको बोला है कार्बन की वैलेंसी वैसे हमेशा फोर ही होती है, लेकिन सी सी एल फोर में एक कार्बन एटम चार क्लोरीन एटम्स के साथ अटैच है, तो ऑब्वियसली इट इज शोइंग अ वैलेंसी ऑफ फोर. राइट केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड में एन आता है सिंगल, और ठीक है जिसकी वैलेंसी होती है थ्री, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी थ्री है, नाइट्राइड की भी वैलेंसी थ्री है, सॉरी दोनों की वैलेंसीज जो हैं वो क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी. क्रॉस करके लिखोगे एल थ्री एन थ्री, वैलेंसीज आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए एल एन. ठीक है, नेक्स्ट अमोनियम फॉस्फेट. अमोनियम की वैलेंसी होती है वन, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है थ्री, तो अमोनियम फॉस्फेट की वैलेंसीज क्रॉस ओवर करके लिखेंगे, तो एन एच फोर होल थ्राइस पी ओ फोर, दिस विल बी योर फॉर्मूला. नेम एन एलिमेंट विच शोज अ वेरिएबल वैलेंसी, राइट द फॉर्मूले ऑफ इट्स टू क्लोराइड्स. एक एलिमेंट बताना जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, उसके क्लोराइड्स के फॉर्मूले लिखिए. आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आयरन शोज वैलेंसी ऑफ टू एंड थ्री, एफ ई सी एल टू हो जाएगा, तो हो जाएगा फेरस क्लोराइड, जहाँ पे कि इट इज शोइंग अ वैलेंसी ऑफ टू. एफ ई सी एल थ्री हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, जहाँ पे इट इज शोइंग अ वैलेंसी ऑफ थ्री. ऐसे ही आप कॉपर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सी यू सी एल, सी यू सी एल में क्या है, दोनों की वैलेंसी वन वन है, इसको हम सी यू टू सी एल टू भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे दोनों की वैलेंसी वन वन है, तो ये हो जाता है क्यूप्रस क्लोराइड, और सी यू सी एल टू जो होता है यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी टू है, दिस विल बी क्यूप्रिक क्लोराइड. नेक्स्ट राइट द फॉर्मूले ऑफ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, आप वैलेंसीज को देख के क्रॉस ओवर करके लिखिए, एन ए सी एल हो जाएगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए एल की वैलेंसी कितनी होती है, थ्री, एल्यूमिनियम की वैलेंसी Al की वैलेंसी हो गई थ्री, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई टू, तो आप इनकी वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करके लिख दीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3. देखिए ये दे रखा है. अमोनियम सल्फेट, अमोनियम की वैलेंसी होती है वन, सल्फेट की वैलेंसी होती है टू, क्रॉस ओवर करके लिख दीजिए, तो हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4. ठीक है, ये यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है. ओके, नेक्स्ट राइट द केमिकल फॉर्मूले यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड. ये क्रिस क्रॉस मेथड कहलाता है, जहाँ पे कि हम वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करके लिखते हैं, दिस इज नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस टू, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस ओवर करिए, मैग्नीशियम की आपने लिखी टू, बाइकार्बोनेट की लिखी वन, इनको क्रॉस ओवर किया, तो फॉर्मूला हो गया MgHCO3 होल ट्वाइस, वैलेंसीज क्रॉस ओवर हो गए. बेरियम नाइट्रेट, बेरियम की वैलेंसी होती है टू, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है वन, आपने क्रॉस ओवर किया, तो फॉर्मूला हो गया BaNO3 ट्वाइस बेरियम नाइट्रेट. इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट में दोनों की वैलेंसी होती है वन वन, पोटेशियम की भी वन, नाइट्रेट की भी वन, तो सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा KNO3. सोडियम नाइट्रेट भी यही होगा, सोडियम की वैलेंसी भी वन, नाइट्रेट की वैलेंसी भी वन. कैल्शियम नाइट्रेट यही होगा, CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम की वैलेंसी टू, नाइट्रेट की वैलेंसी वन. कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी ऐसे ही होगा, कैल्शियम की वैलेंसी टू और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी टू, ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट. राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले. अब आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, नेम्स बताने हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे, धीरे धीरे लिख के प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे, मेरे ख्याल से अब तक याद हो चुके होंगे सिंस वी आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर. एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट,
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो सिंपल है. ओके, चूज सिंपल एंड कंपाउंड रेडिकल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग. सिंपल और कंपाउंड रेडिकल बताने हैं. सिंपल रेडिकल वो है जिसमें कि एक ही एलिमेंट का आयन प्रेजेंट है. कंपाउंड रेडिकल वो है जिसमें कि एक से ज़्यादा एलिमेंट के आयन्स प्रेजेंट है. तो सिंपल रेडिकल कौन से हो गए? क्लोराइड जो है वो सिंपल रेडिकल है, और सल्फाइड सिंपल रेडिकल है, सोडियम का सिंपल रेडिकल है, और निकल जो है वो सिंपल रेडिकल है. और जो कंपाउंड रेडिकल हो जाएंगे वो हो जाएगा सल्फेट एंड अमोनिया. ओके, नेक्स्ट, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स 9 पार्ट्स बाय मास ऑफ वाटर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या है? H2O. इसमें 9 पार्ट्स बाय मास ऑफ वाटर है या 18 है. हम इसका वेट लेते हैं तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का एक एटम का है 1 1 × 2, दो हाइड्रोजन के एटम से दैट इज 18. तो 18 पार्ट्स बाय मास ऑफ वाटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज मोनोएटॉमिक. मॉलिक्यूल डायएटॉमिक भी हो सकता है, जैसे कि O2, H2, Cl2. तो इट इज फॉल्स, इट इज नॉट ऑलवेज मोनोएटॉमिक. नेक्स्ट, अ बैलेंस्ड इक्वेशन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड हेंस डज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन. नो, ओनली अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉलोज द ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अनबैलेंस्ड इक्वेशन डजेंट डू सो. ठीक है, सिंपल. राइट दी कंडीशंस नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, एसेंशियल और नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं? पहली क्या है? केमिकल इक्वेशन शुड रिप्रेजेंट्स अ ट्रू केमिकल चेंज, मतलब एग्जैक्टली जो हो रहा है वही रिप्रेजेंट करना चाहिए केमिकल इक्वेशन को. फिर बैलेंस्ड होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट शुड बी ईच ऑन बोथ द साइड्स, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर एटम के सेम होने चाहिए, दे शुडंट बी डिफरेंट. मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन शुड बी मॉलिक्यूलर, मतलब सब कुछ जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपने फॉर्मूला लिख दिया और एक तरफ नाम लिख दिया. जैसे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं AgNO3 प्लस NaCl, जो हमारा बड़ा कॉमन एग्जाम्पल होता है AgNO3 प्लस NaCl. अब यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूले लिख दिया कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, और मैं प्रोडक्ट साइड में लिख दूँ सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3, तो ये मेरी केमिकल इक्वेशन सही नहीं है. मैं केमिकल इक्वेशन जब लिखूंगी तो मुझे सारे फॉर्मूले ही लिखने चाहिए, मतलब आई शुड राइट AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, और मुझे इनके नाम लिखने हैं अगर, तो मैं इनके नीचे इनके नाम लिख दूंगी, है ना. ये नहीं कि बीच में नाम घुसा दिया मैंने, सो दैट शुड नॉट बी देयर. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको यहाँ पे एसिड रेडिकल्स दे रखे हैं और बेसिक रेडिकल दे रखे हैं, इनको मिला के आपको क्या बनाना है? फॉर्मूले बनाने हैं. तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ना वैलेंसीज पता होने चाहिए इन रेडिकल्स की, और इन जो आपके एसिड और बेसिक दोनों रेडिकल्स दे रखे हैं इनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए, तो फॉर्मूले बहुत आसानी से बना लोगे. तो हम वैलेंसी लिख लेते हैं. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, हमें पता है. पोटेशियम की 1 है, आयरन की बोला है 2, मतलब फेरस के बनाने हैं. कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, जिंक की 2 होती है, सोडियम की 1 होती है. तो ये आपको वैलेंसीज पता हैं. अब आप क्रॉस ओवर करके बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एसिड रेडिकल्स की भी वैलेंसी पता होनी चाहिए. देखिए, अब एसिड रेडिकल्स की वैलेंसी, फॉस्फेट जो है उसकी वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, और क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1. अब आप इनको क्रॉस ओवर करके आराम से फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे पोटेशियम फॉस्फेट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? K3, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, K3PO4, सिंपल, है ना. इसका हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? KOH, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है. इसका कार्बोनेट क्या हो जाएगा? K2CO3. इसका सल्फेट क्या हो जाएगा? K2SO4. नाइट्रेट क्या हो जाएगा? सिंपल KNO3. क्लोराइड क्या हो जाएगा? दोनों की वैलेंसी 1 है, तो KCl हो गया. नेक्स्ट, आयरन की बना लेते हैं. एक और बनाऊंगी मैं, बाकी सारे नहीं बना रही हूँ, आयरन की बना देती हूँ. आयरन की बना लीजिए तो आप अगेन वैलेंसीज एक्सचेंज होगी. आयरन की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे आएगी Fe3 और PO4 होल ट्वाइस. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? Fe और OH की,
ठीक है। अब कार्बोनेट के साथ तो सिंपली FeCO3 फेरस कार्बोनेट बन गया, सल्फेट भी FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया, नाइट्रेट में अगेन नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है और फेरस की 2 है, तो ये हो जाएगा FeNO3 होल ट्वाइस। KCl में भी यही होगा FeCl2, ठीक है। तो ऐसे ही क्रॉस ओवर करके आप सारे बना लीजिएगा, ये मैं सारे बना नहीं रही हूँ, ये सारे आंसर्स दे रखे हैं, आप यहाँ से भी चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, सिल्वर सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, राइट द केमिकल इक्वेशन। इसकी केमिकल इक्वेशन मैंने अभी लिखी थी ना एग्जाम्पल में, केमिकल इक्वेशन हो जाएगी NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। AgCl का यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलता है आपको, राइट द केमिकल इक्वेशन, ये हमने लिख दी। प्रेसिपिटेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेक वेदर इट इज़ बैलेंस्ड, इफ नॉट देन बैलेंस इट, येस इट इज़ बैलेंस्ड। कैलकुलेट द वेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, वेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। NaCl सोडियम का क्या होता है 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया आपका 23 प्लस 35.5 हो जाएगा 58.5। AgNO3 ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से, ये आपको एक तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपको ऐसी क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपको जो वेट है ना अटोमिक वेट्स अटोमिक मास वो दे रखे होंगे, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि अरे मुझे तो याद नहीं है, ठीक है, दे विल बी गिवन टू यू। ओके, नेक्स्ट इज राइट द लॉ विच विद विच दिस केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाइड, तो लॉ क्या हो गया अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहाँ पे कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे 5 मार्क्स क्वेश्चन पे, राइट द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, 5 नंबर में तो बिल्कुल भी नहीं आता है कि आप इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स लिखिए या लिमिटेशन लिखिए, इस तरीके के 5 नंबर का क्वेश्चन कभी भी नहीं आता ICSE बोर्ड में, लेकिन फिर भी आपको ये पता होने चाहिए, ये रिवाइज इसलिए करने जरूरी क्योंकि ये अप्लाई होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, दैट इज़ व्हाई यू मस्ट नो देम, दैट इज़ व्हाई दे हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन योर रिवीजन। केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रिएक्शन ऑफ टू अकर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। हम ये एक सिंपल बेसिक केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हालांकि हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें इंप्रोवाइज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, हम बेसिक बात कर रहे हैं। हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वेदर एनी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड और नॉट, वेदर गैस इज इवॉल्व्ड और नॉट, और टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट, रेट एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक्सटेंट अप टू द विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम केमिकल इक्वेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आप लिमिटेशंस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो दे कैन बी रिमूव्ड एज फॉलोड। फर्स्ट जो था फिजिकल स्टेट वाला कि फिजिकल नहीं पता चलती है फिजिकल स्टेट एक केमिकल इक्वेशन, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, मतलब जो रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसके ब्रैकेट में हम एल लगा देंगे, जो गैसेस फॉर्म में है उसके ब्रैकेट में हम जी लगा देंगे, और जो सॉलिड फॉर्म में है उसके ब्रैकेट में हम एस लगा देंगे, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड एंड जी फॉर गैस। तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा जो पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड है वो किस फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशंस भी बता सकते हैं, हम क्या करते हैं जो हम एरो लगाते हैं ना सेंटर में, इस पे हम कंडीशंस लिख देते हैं कि कितनी हीट चाहिए उसको, कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कितने प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रहा है, वो सारी कंडीशंस हम यहाँ पे एरो के ऊपर और नीचे लिख देते हैं, तो ये वाली भी हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस भी हम बता देते हैं कि सॉलिड है ये पर्टिकुलर चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड है, एक्वस है मतलब डाइल्यूट है, गैसेस फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, वो भी हम बता देते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो भी लिख सकते हो, जैसे ये सपोज 25% कॉन्सेंट्रेशन है तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट द हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दे कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड बाय द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, है ना, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक है वो भी हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये प्लस 572 के जे दे रखा है किलो जूल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी ज़्यादा हीट इसमें इवॉल्व हुई है, रिएक्टेंट साइड में प्लस लगा है, हीट में मतलब निकली है, सॉरी प्रोडक्ट साइड में प्लस लगा है, इसका मतलब वो हीट इवॉल्व हुई है, निकली है। यहाँ पे माइनस लगा है प्रोडक्ट साइड में हीट में, तो इसका मतलब इतनी हीट वॉज टेकन अप और इट वॉज कंज्यूम्ड। तो जहाँ पे कि प्लस लगा होता है वो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हीट इवॉल्व हुई है, और जहाँ पे माइनस लगा है वहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हुई है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट, देन इवोल्यूशन ऑफ अ गैस कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग अ एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स। अगर कोई कंपाउंड जो है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसमें एरो लगा देते हैं, वो शो करता है कि ये गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, जी भी लिख देते हैं और एरो भी लगा देते हैं तो पता चलता है कि हाँ गैस इवॉल्व हो रही है। ऐसे ही अगर कोई जो कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है हमें, तो हम उसके नीचे क्या लगाते हैं, उसके साइड में क्या लगाते हैं, अप एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, मतलब वो हमें जो कंपाउंड पर्टिकुलर है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया। ये मैंने आपको बोला था ना, ये वाली इक्वेशन बड़ी पॉपुलर इक्वेशन है, ये बहुत बार आप यूज़ करेंगे, इसको याद कर लीजिए। AgNO3 plus NaCl gives AgCl का प्रेसिपिटेट plus NaNO3, ये इक्वेशन याद कर लो, रट लो बिल्कुल। नेक्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन में भी हम डबल हेडेड एरो शो कर देते हैं, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एक एरो इस तरफ जा रहा है और एक एरो इस तरफ जा रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है, ये हम शो करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर। देन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी शोन बाय राइटिंग स्लो और फास्ट। हालांकि ये बहुत कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है, बट स्टिल हमें इक्वेशन देख के पता चल सकता है कि रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्ट नहीं पता चलता। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया फास्ट और ये लिख दिया स्लो। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स बाय विच वी कैन शो, वी कैन रिप्रेजेंट पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ एन इक्वेशन, कि वो किन कंडीशंस में प्रोसीड कर रही है। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन दे रखी है, 10 इक्वेशंस दे रखी है, इनको आपको इनकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी, नेम रिएक्शन दे रखी है, इनकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, तो आप बैलेंस करके लिख लीजिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या होता है, MnO। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज है। देन सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो जाता है, NaHSO4, मैंगनीज सल्फेट MnSO4, वाटर H2O, क्लोरीन इज Cl2। इस इक्वेशन को लिखिए और इसको बैलेंस करिए, देखिए ये इक्वेशन कहाँ दे रखी है, ये रही। ठीक है, MnO2, ये सारी इक्वेशंस जो हैं ये MnO2 होगा, मैंने क्यों लिखा है, ओके यहाँ पे ये देख लीजिएगा आप, सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड। तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे सॉल्व दे रखी हैं, आप इनको देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, ये इनके आंसर्स हो गए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको इक्वेशंस दे रखी है, इनको बैलेंस करके बोलना है। बैलेंस आपके जो सिलेबस में है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब आप अप्लाई करके देखिए कि कौन सा वाली चीज़ फिट हो रही है, फिर उसको बैलेंस करिए। इसमें सिंपल क्या है कि आप जैसे प्रोडक्ट साइड में जो भी चीज़, रिएक्टेंट साइड में जो भी चीज़ें आ रही है उनको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखें तो पी लिख लीजिए, पी यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे पी कितना है, यहाँ पे भी 1 है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला लो, H यहाँ पे कितना है, 1 है, H यहाँ पे कितना है, 2 और 3, 5 है। तीसरी चीज़ लीजिए, तीसरी चीज़ क्या है, N यहाँ पे कितना है, 1, N यहाँ पे कितना है, 1। नेक्स्ट क्या है, HNO, O कितना है यहाँ पे, 3, यहाँ पे कितना है, O, 2 + 1 + 4, 3 + 4, 7। अब ये कंडीशन है हमारी, अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम कौन सी चीज़ ले सकते हैं, हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो डिस्टर्बिंग है वो O है, O 7 है, यहाँ पे O 3 है, यहाँ पे अगर हम इस 3 को 2 भी कर देंगे तब भी वो 7 रहेगा, तो यहाँ पे गड़बड़ ही रहेगी। तो हमें O का ऐसा नंबर लेके आना है जो 7 और 3 दोनों का मल्टीपल हो, है ना, दोनों से काम चल जाए। तो हमें क्या लाना है, यहाँ पे मल्टीपल ना हो लेकिन दोनों ऐसा नंबर लेकर आना है जो कि डिवाइड हो जाए दोनों से। अब H3PO4 है,
और यहाँ पे H3PO4 को हम टच नहीं कर रहे, H2O को भी टच नहीं कर रहे हैं, NO2 हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो NO2 और HNO3 को देखते हैं, अगर हम NO2 में लगाएं कुछ और HNO3 में लगाएं, नाइट्रोजन के नंबर्स को चेंज करें, सपोज हम नाइट्रोजन कर लें 5 और 5, 5 HNO3 कर लें, यहाँ पे भी 5 कर लें, तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब हमारे N कितने हो गए, N हो गए 5, हाइड्रोजन हो गए 5, ऑक्सीजन हो गए हमारे 15। अब हम इधर देखते हैं, इधर क्या हुआ, हमारा N 5 हो गए, हाइड्रोजन हो गए हमारे यहाँ पे 5 थे, 5 ही हैं, है ना। O जो थे वो कितने हो गए, 2 5 10 प्लस 15 O, है ना, 15 O हो गए यहाँ पे, क्योंकि 4 थे, 4 प्लस 1 5 और 10 15। तो अब हमारी क्या बैलेंस हो गई इक्वेशन, फॉस्फोरस को हमने टच नहीं किया, वो 1 और 1 ही है, देखते हैं फॉस्फोरस 1 1 ही है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है, सॉरी हाइड्रोजन हमने 5 कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है, तो ये बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 5 है, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन 5 कर दिया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 15 और ऑक्सीजन 15, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, हमने 5 लगा के इसको बैलेंस कर दिया। तो थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, ठीक है, सबको ट्राई करिए, कोई भी छोड़िए मत, ये इनके सॉल्यूशंस हैं, तो आप ये सारी इक्वेशंस को ट्राई करें, बैलेंसिंग के लिए भी इक्वेशंस आती हैं आपके एग्जाम में। अभी आपके लास्ट वाली जो टाइप है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो एटॉमिक मासेस दे रखे ना एलिमेंट्स के, मैंने आपको बोला था ना कि एग्जाम में देते हैं 100% देते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। कैल्शियम का 40, सल्फर का 324, सल्फर का 324 नहीं होता, 32 होता है, 324 क्यों दे रखा है, 32.4 या हम 32 ही लेते हैं इसका, ठीक है। ऑक्सीजन का हो गया 16, लेड का हो गया 207 और फॉस्फोरस का हो गया 314, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेड सल्फेट का निकालना है, तो सबसे पहले आप लेड सल्फेट का फॉर्मूला बनाइए, लेड की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो फॉर्मूला हो जाएगा PbSO4, ठीक है। तो PbSO4 में एक लेड का एटम लीजिए आप, लेड का मास कितना है, 300, लेड का है 207, तो आपने यहाँ पे लिखा 207, प्लस एस सल्फर का है 32, तो आपने लिखा 32, प्लस O4 मतलब ऑक्सीजन का एक एटम का जितना मास है इंटू 4, तो 16 इंटू 4, सारी वैल्यूज आ गई, एड ऑन कर लिया, 303 हो गया, तो लेड सल्फेट का मास हो गया 303 एटॉमिक मास यूनिट। कैल्शियम फॉस्फेट का निकाल लीजिए आप, कैल्शियम का अब देखिए, सबसे पहले कैल्शियम का मास दे रखा है आपको 40, तो 40 इंटू 3, वैसे यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप कहो तो मैं सॉल्व करके दिखा दूँ, वैसे यहाँ पे ये दे रखा है पूरा, है ना, CA3 सब चलिए कर लेते हैं, CA3 है, तो हमने क्या किया 3 इंटू 40 प्लस, अब देखो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इनको अंदर करके फिर फॉस्फेट का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, P का कितना है, P का आप देखो 207, तो हमने लिखा 207 प्लस 16 इंटू 4, एक ऑक्सीजन एटम का 16 है, इंटू 4 किया, तो अब ये 40 इंटू 30 कितना हो गया, 120 प्लस 2 इंटू, अब आप इसको कर लीजिए, 207 प्लस 16, 4 जा कितना होता है 64, ये लिख लिया हमने, अब 120 प्लस इनको 2 इंटू एड ऑन कर लीजिए, जो भी है आपका 207 प्लस 64 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 271, है ना, तो 271 इंटू 2, 120 प्लस 271 इंटू 2 कितना हो गया, 2 1 2 2 7 14 542, तो ये टोटल आ गया 120 प्लस 542 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 662 AMU, ये आपका मास आ गया कैल्शियम फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, कैल्शियम इंटू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पी ओ फोर,
अच्छा मैंने फास्फोरस की जगह लेड का लेके कर दिया है। फास्फोरस का तो कितना होगा, 314 होगा ना, यहाँ पे 207 की जगह बेटा 314 लेना है, मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो 207 की जगह आप क्या लेंगे, 31 होता है, 314 भी नहीं होता है, इसका 31 होता है, इन्होंने गलत दे रखा है पता नहीं क्यों, 31 लेंगे। सॉरी दिस इज़ ऑल रॉन्ग, आई हैव टू रिकैलकुलेट इट, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 × 40 वही चीज़ कर लेते हैं, प्लस 2 × 31 प्लस 16 × 4 डायरेक्ट कर लेते हैं, 64 है ना। अब कर लीजिए 3 × 40 × 20 प्लस 2 × कितना हो जाएगा, 31 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 95। ठीक है ना, 95 होगा। अब 120 × 95 × 2 कितना हो जाएगा, 90, और 90 कितना होता है, 180, तो ये हो जाएगा 190। अब 190 और 120 कितना हो जाएगा, 310। तो ये आपका आ गया इसका आंसर। ठीक है, दिस वॉज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्प, इसको मैं क्लियर कर दूँ। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। अब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करने को बोली जाए तो दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, पहले उसका पूरा मॉलिकुलर मास निकाल लेना है उस कंपाउंड का, और फिर उसको जैसे परसेंटेज निकालते हैं कि वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट अपॉन द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगी। तो पहले यूरिया जो है NH2CO, NH2 इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, इसका मास निकालें तो NH2CO NH2, अमोनिया क्या हो गया सिंपल, 2 × NH2 कितना हो जाएगा, 14, 14 अमोनिया नाइट्रोजन का होता है, 14 × 2, 14 + 2 सॉरी, देखो NH2CO NH2 है तो NH2 का क्या हो जाएगा, N इज 14 + 1 × 2, इनको ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा सही रहता है, प्लस कार्बन का कितना हो गया 12, और प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, प्लस अगेन NH2 14 + 1 × 2। अब ये कितना हो गया, 14 + 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, इसको आप टोटल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 14 + 2 कितना, टोटल इकट्ठे ही कर लें, 14 + 2 कितना हो गया 16, ये भी 16 हो गया, देखो ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, तो या तो आप ऐसे कर लीजिए 16 × 3 = 48 हो गया, 48 + 12 कितना हो गया 60, तो ये 60 AMU आ गया पूरे अमोनिया का मास, अमोनिया नहीं यूरिया का, NH2CO NH2 जो यूरिया है कंपाउंड उसका मास हो गया 60। ठीक है, अब उसमें से नाइट्रोजन की आपको परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का टोटल कितना था, नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं है ना, NH2CO NH2 में दो एटम्स हैं, तो उनका दोनों का हमने एक का हो गया 14, तो दो दूसरे का 14 × 2 कर लिया, दोनों का मिला के हो गया 28। तो आपकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, 28/60 × 100, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा अराउंड 46.6666, सो दैट इज 46.67% बाय मास। तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गई नाइट्रोजन की यूरिया में, मतलब यूरिया में जो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है दैट इज 46.67% नाइट्रोजन प्रेजेंट है यूरिया के अंदर। सो ये बस इतने सी एग्जाम्पल लिए हैं, तो आई होप आपको कोई मतलब ये चैप्टर पूरा कवर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट्स होंगे आप बता दीजिएगा मुझे। इस चैप्टर के सारे के सारे लेक्चर्स, द फुल कंप्लीट चैप्टर्स अवेलेबल इन द ऑन द चैनल इटसेल्फ है ना, पूरा चैनल पे अवेलेबल है। बाकी पूरा आपका जो कोर्स है केमिस्ट्री का वो ऐप में अवेलेबल है, हाँ इट इज़ पेड चिल्ड्रन, आई हैव मेड इट पेड सिंस दिस ईयर, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमें लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है, दे हैव टू बी पेड, सो आई हैव कॉस्ट बहुत कम रखी है मैंने, क्योंकि पूरे साल के लिए वो पूरा कंटेंट आपके पास रहेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स हैं, प्लस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के एनिमेशंस हैं,
देन यू गॉट द नोट्स ऑफ द फुल कंटेंट, पूरे सिलेबस के नोट्स हैं, बहुत सारे आपको असाइनमेंट्स हैं, सेलिना के सॉल्यूशंस हैं, तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है, उसमें आपको इतना मटेरियल मिल रहा है, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप वो कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स आएंगे ही आएंगे, अगर आप ढंग से वो मटेरियल कर लेते हैं तो। ये जो है ये एक एक्स्ट्रा रिविजन है जिसको आप देखिए और इससे बेनिफिट लीजिए, ठीक है। ओके, सो टिल वी मीट, टेक केयर, स्टडी वेल, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके।